हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मटन टिक्का बोटी, जो कि बहुत ही लाजवाब होता है। आप लोग बकरीद में गोश्त खा खा करके थक गए होंगे, तो ये डिफरेंट सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। मटन टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मटन के पीस लिए हैं। मैंने इस तरह से इन्हें बोटियों में कर लिया है। वैसे तो ये बनता है बोनलेस का, बट मैं इसमें थोड़े से बोन के साथ भी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और सॉल्ट भी हमने 1/2 टीस्पून ली है। ये हमने दही लिया है 2 टेबल स्पून और इसी के साथ हमने एक ओनियन को पेस्ट बना लिया है। और ये देखिए 1 टेबल स्पून हमने जिंजर का पेस्ट और 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट भी ले लिया। यहाँ पर 1/2 कप से कम थोड़ा सा हमने पानी भी लिया है। इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो हमने प्रेशर कुकर में मटन को डाल दिया है। इसी के साथ इसमें ऐड कर दिया ओनियन का पेस्ट, हमने दही जो लिया है इसे ऐड कर दिया है। इसी के साथ इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये जो मसाले लिए हैं ना, इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाटर, तो 1/2 कप से थोड़ा कम हमने पानी लिया है। इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे चला देंगे। मैं इसे 3 सीटी लगने तक पकाऊंगी। आपके यहाँ जितने सीटी में मटन गलता हो उतने ही सीटी लगाएं, ओवर कुक इसे ना करें। जब तक कि ये पक रहा है मैं मटन टिक्का मसाला बना लेती हूँ। तो मटन टिक्का मसाला बनाने के लिए हमने साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने ली है काली मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 4 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 4 ही लिया है छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची और 1 है बड़ी इलायची। इसी के साथ 5-6 ले लेंगे लौंगे। इन सब साबुत मसालों को मुझे ड्राई रोस्ट करना है। तो ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने एक सूखी कढ़ाई ली है, उसमें इन सब मसालों को डाल करके फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इसे भून रही हूँ। 2 मिनट में ये गर्म हो गया था, तो हमने इसमें तोड़ करके डाल दिया है लाल सूखी मिर्च और इसे भी भून लेते हैं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें। मसाले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ बेसन। बेसन को भी अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें से जब अच्छे से खुशबू आने लगेगी सौंधी सौंधी सी और बेसन का कलर चेंज हो जाएगा, तब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हमने 1 टेबल स्पून लिया है। मसालों की गर्मी से ही कसूरी मेथी जो है वो ड्राई रोस्ट हो जाता है। हल्का सा ये ठंडा हो गया, तो मैंने ग्राइंडर जार में इन सबको डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 2 टीस्पून हमने ली है कश्मीरी चिली पाउडर और इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम सॉल्ट और इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मसाले पाउडर बन चुके हैं, इन्हें साइड में रखते हैं। अब मटन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर मटन जो है अच्छे से टेंडर हो चुका है। इसमें थोड़ा सा वाटर नज़र आ रहा है, तो इसे ड्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ड्राई हो चुका है, बिल्कुल मटन में सारे मसाले चिपक चुके हैं। तो इन्हें मैं बाहर निकाल देती हूँ, अलग रख देंगे और एक और मसाला बनाएंगे, टिक्का मसाला बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बाउल में तकरीबन 2 टेबल स्पून दही लिया है और उसमें ये जो मसाले हमने बनाए हैं ना टिक्का मसाला, उसे ऐड कर देंगे। इसी के साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी डाल रही हूँ, आप अरारोट भी ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून मैं ऑयल भी डाल रही हूँ, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी ऑयल लेकर इसे मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। मसालों में हमने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। ध्यान रखना है क्योंकि मटन के साथ भी मसाले गए थे और जो ग्राइंड किया मसाला उसमें भी गया था नमक, इसलिए टेस्ट के हिसाब से ही डालें। सारे मटन के पीसों को हमने मसालों में डाल करके ऊपर नीचे करके इसे कोट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नींबू का रस। तो यहाँ पर हमने 1 नींबू का रस लिया है, इसे डाल देंगे। बहुत अच्छा सा चटपटा सा ये बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही बेहतरीन सा ये एक डिश है। तो यहाँ पर हमने सबको अच्छी तरह से कोट करके साइड में रख लिया है और यहाँ एक पैन हमने चढ़ाया है, पैन में डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल और इसी के साथ मैं इसमें बटर डाल देती हूँ। अब मैं मटन के पीसों को एक एक करके पैन में रखती जाऊँगी। फ्लेम को मीडियम हमने कर दिया है, इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से
फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। देखिए मैंने सारे मटन के पीसों को इसमें सजा दिया, और ये जो मसाले बचे हुए हैं ना, इसे मैं आपको बताती हूँ क्या यूज़ करना है। आलू बॉयल कर लें, और गोल गोल पतले पतले आलू को बॉयल करके और इसमें कोट करके फ्राई कर लें। वाह टेस्टी आपका एक डिश तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों साइड से फ्राई हो गया, तो मैंने कोयले को आग पर जला दिया और एक छोटी सी कटोरी रख करके कोयले को रख दिया, उस पर 1 टीस्पून घी डाल करके इसे धुआं दे दिया है। वाह बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, बहुत ही बेहतरीन सा ये बना हुआ है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। दोस्तों ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं आप सबके लिए और भी अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।